गोरखपुर कैंट रेलवे पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज या अंडरपास के निर्माण के लिए बुधवार को नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सेतु विभाग, रेलवे के इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण की संभावनाओं पर ऑन स्पॉट किया मंथन किया। यह क्रॉसिंग दो रूटों को एक साथ जोड़ती है। एक रूट देवरिया वाया मुजफ्फरपुर और दूसरा नरकटियागंज वाया मुजफ्फरपुर। गाड़ियों का आगमन हमेशा होने की वजह से क्रॉसिंग ज़्यादा समय बंद रहती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने क्रॉसिंग के दोनों ओर स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ भविष्य में अंडरपास या ओवरब्रिज के निर्माण की संभावनाओं को तलाशा। इस अवसर पर नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, पीडब्ल्यूडी अधिकारी, सेतु निगम के अधिकारी और रेलवे के इंजीनियर सहित स्थानीय नेता और निवासी मौजूद रहे। इस निरीक्षण के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, कोई भवन तो विशेष है नहीं, तो कितना जमीन अंदर चाहिए होगा? कहाँ गए आप ही थे? रेलवे मिलेगा जो नहीं मालूम है, जो नहीं मालूम है उसको हम बीमा से लगाएंगे, नहीं मिलेगा। चलिए अब बताइए, रेलवे एयरपोर्ट छोड़ के सर 7 मीटर यानी आपको 10 मीटर चाहिए? 10 मीटर तो यहाँ तक आ गया कोई भी ऐसा डिजाइन अगर बनाता है जो रेलवे स्टेशन को नहीं जा रहा तो कहते क्या है, वो लोग हंसेंगे। ये प्रैक्टिकल बात नहीं, आपको यहाँ ला करके ये ब्रांच आपको उधर ले ही जानी पड़ेगी। सिग्नलिंग यहाँ सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड है, उसको हटाना करंट गेट में एकदम पॉसिबल नहीं है। सर फ्लाई ओवर के लिए एक बार आप पूछ लीजिए, वहाँ पे हम लोग का फ्लाई ओवर की जो हाइट आएगी वो जो ऊपर देख रहे हैं वो हमारा फिक्स है, और उसकी वजह से जब सेतु निगम वाले बताएं तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं फिक्स है? माने क्या ये हाइट ये जो डंडा लगा है ये डंडा नहीं हाइट ये वाला सर बार ना ये गड़ लगा खतरा हो नहीं कम हाथ इस पर नहीं करेंगे वो क्या चाहते हैं हाइट बढ़ेगी तो कहे कि क्या फैसिलिटी है कि लोग बढ़ेगा ये हाइट पर अगर ये चाहे निवासी नहीं है, अगर रेलवे की प्रॉपर्टी है ये रेलवे स्टेशन कैंट है, उसके बगल की रेलवे क्रॉसिंग है, उसके दक्षिण साइड में एम्स बन गया है, उत्तर साइड में 50,000 नागरिक रहते हैं, बहुत सी नई ट्रेनें अब यहाँ रुकने वाली हैं, बहुत बड़ी संख्या में हज़ारों की संख्या में मरीज अब आने वाले हैं जिनको क्रॉस करके एम्स में जाना है, यहाँ के 50,000 नागरिकों को क्रॉस करके शहर की ओर जाना है। तो बड़ी पुरानी मांग रहती है, हमेशा लोग कहते हैं कि यहाँ एक ओवरब्रिज बनवाया जाए,
अब चूंकि ये रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, आप देख ही सकते हैं, बहुत टेढ़ी जगह पर पुल बनाना बड़ा मुश्किल होता है तकनीकी रूप से। तो आज मैं लोक निर्माण विभाग के, सेतु निगम विभाग के और रेलवे के जो ब्रिज प्रखंड उनका है, उनके अधिकारियों को लेकर यहाँ आया हूँ। ये लोग मिल करके विवेचना कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, और अगर यहाँ संभाव्यता इस बात की बन पाई कि ओवरब्रिज का डिज़ाइन बन सके, तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि उसके लिए सरकार पैसा उपमुक्त करे। लाखों लोगों का फ़ायदा होने वाला है, इस पूरे क्षेत्र का बहुत तेज़ी से विकास होने वाला है। ये जो क्षेत्र जहाँ लोग बसना नहीं चाहते हैं, जो ही इस बात की घोषणा होगी कि बस पुल बनने की संभावना बन गई, इनकी ज़मीनें अगर आज 7-8 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट होंगी, तो कल घोषणा के बाद सीधे 20 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट हो जाएंगी। इतनी बड़ी इस क्षेत्र में ओवरब्रिज की आवश्यकता है, हम लोग उसी को तलाशने के लिए आए हैं। संभावनाएँ थोड़ी बहुत दिख भी रही हैं, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, तकनीकी रिपोर्ट अगर ये लोग बनाते हैं तो हम लोग धन की व्यवस्था करेंगे। अब तकनीकी रिपोर्ट तो हमारे हाथ में नहीं हो सकती, वो तो इंजीनियर्स का काम है, वो करेंगे।